नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है उसके टाइप्स है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे 6 टाइप के दिए हुए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो मैं पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट मल्टीपल रिएक्टेंट्स होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट होता है। तो मल्टीपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो इस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स है वो डिकम्पोज होता है प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सिंगल रिएक्टेंट है उसमें से मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, एक्सचेंज होता है ना, तो उसको उस तरह से एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो सपोज दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी सी, उसके बीच में रिएक्शन होता है, तो ठीक है, तो ये जो बी है उसको ए रिप्लेस कर देता है, सॉरी ए है वो बी को रिप्लेस कर देता है, तो क्या होगा, बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये जो बी रिप्लेस हुआ और ए उसकी जगह है, तो ये जो रिएक्शन है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेस होता है, यहाँ पे सिंगल था, तो सपोज एक रिएक्शन है ए बी प्लस सी डी, तो क्या फॉर्म होगा, तो बी है वो सी की जगह आ जाएगा और सी बी की जगह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइड रिएक्शन हो रहे हैं, यहाँ एक के साथ जो कंपाउंड था उसका भी हुआ और सी डी का हो गया, यहाँ पे सिंगल था, तो अब क्या हुआ, ए डी प्लस, सॉरी यहाँ पे ए और सी, ए सी प्लस बी डी फॉर्म हुआ, तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन यानी क्या, कि किसी सब्सटेंस का रिएक्टेंस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन यानी O2 ऐड होना या H2 रिमूव होना। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है, O2 रिमूव होना या H2 ऐड होना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और रिडक्शन ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ। तो ये जो 6 रिएक्शन है उसके बारे में डिटेल में, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके पहले हम यहाँ का थियरी देख लेते हैं। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंज इन टू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। तो एटम चेंज नहीं होता, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कंपाउंड फॉर्म होता है। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर। तो जो स्टार्टिंग में जो लिया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, तो उसमें वो सेम ही रहेगा। ठीक है, कहीं से आ नहीं जाएगा बाहर से। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एच टू है, ओ टू है। ठीक है, तो उसके बीच में फॉर्म होता है एच टू ओ। ठीक है, इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, 2H2 प्लस O2 gives 2H2। तो यहाँ पे क्या होगा, H2 और O2, तो H और O के बीच में बॉन्ड होगा 2H, तो इस तरह से OHH। ठीक है, तो ब्रेक हुआ बॉन्ड और मेक हुआ बैंड, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, तो ये न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन गिव्स वाटर। ठीक है, यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड
बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। तो चैप्टर एंड 3 एंड 4 में हम डिटेल में टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में सीखेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उस तरह से। ठीक है, तो अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख रहे थे, तो वो देख लेते। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी कि क्विक लाइम, उसकी H2O वाटर के साथ रिएक्शन होगी और फॉर्म होगा CaO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको स्लेक लाइम भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन दी हुआ है, एक बीकर में वाटर लिया, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो हम बेसिकली जानते ही है कि जो हम घर में जो चूना लगाते हैं वो बोलते हैं ना चूना, ठीक है, तो वो चूना ही है वो। ठीक है, वाइट कोटिंग करते हैं, वाइट वॉश करते हैं घर को। ठीक है, तो वो जो पत्थर आते हैं, जो स्टोन्स, वो क्विक लाइम है, उसको हम पानी में डालते हैं। तो हमने रिएक्शन देखा होगा कि बबल्स फॉर्म होते हैं, वो होता है हीट, होता है हीट। ठीक है, तो इसका रिएक्शन है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं और सिंगल प्रोडक्ट है, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया था ना, मल्टीपल रिएक्टेंट्स गिव्स सिंगल प्रोडक्ट। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम। ठीक है, इसको स्लेक लाइम बोलते हैं, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये रिएक्शन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, यानी कि वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर ये रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे उसको, बीकर को टच करेंगे तो गर्म होगा बहुत, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर, वो दोनों कंबाइन हुआ और फॉर्म हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन याद रख लेना, अ सिंगल प्रोडक्ट इज फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एटलीस्ट दो रिएक्टेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिंगल रिएक्टेंट्स है तो नहीं, वो नहीं, एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के बीच रिएक्शन होगा, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स है, वो देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोल यानी कि कोयला, तो कोयला यानी कि कार्बन सॉलिड, उसका बर्निंग होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो बर्निंग प्रोसेस है वो ऑलवेज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। सी सॉलिड प्लस O2 गैस फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैसियस। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस, तो H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, तो 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीपल रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। हीट रिलीज होगी, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, तो हीट रिलीज होगी तो वो मिक्सचर गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन याद रखना, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें हीट रिलीज हो रही है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज। और उसके अपोजिट एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें उससे रिवर्स होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और मिक्सचर कूल होता है, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये अपोजिट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है रिएक्शन में, और एंडोथर्मिक है हीट एब्जॉर्ब होती है, कूल होता है मिक्सचर। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो अभी ये जो एग्जांपल दी है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नहीं है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। ठीक है, कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट होता है, तो ये जो नीचे के हर एक एग्जांपल है 2-3, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो CH4 यानी कि मीथेन गैस, उसका बर्निंग हुआ तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, 2O2 गैसियस गिव CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। ठीक है,
तो ये रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, बर्निंग होता है तो इसमें हीट होती है, फ्लेम होता है, तो बर्निंग प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये एक रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो हम सांस लेते हैं तो वो उसमें हीट रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक है। कैसे? तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, बॉडी का ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, वो हम एक्सहेल कर, हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो जो रिएक्शन होता है उससे हीट प्रोसेस, एक एनर्जी जनरेट होती है हीट, उससे क्या होता है, हम डेली के वर्क्स करते हैं, ठीक है, रूटीन वर्क्स। तो हमारे जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बहुत बार एग्जाम में, तो ये तैयार कर लेना। IMP, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, ठीक है। तो हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। तो हम जो एनर्जी है वो फूड से लेते हैं, तो फूड डाइजेस्ट होता है, उसके बाद प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वो विटामिन सब हमें मिलते हैं बॉडी को। तो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। तो डाइजेशन में क्या होता है, स्टमक में फूड सिंपलर सब्सटेंस में डाइजेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोस एंड ब्रेड कंटेंट कार्बोहाइड्रेट। तो राइस में, पोटैटोस में और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो उसको वो ब्रेक होता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स में जाता है और वो बॉडी में जो ग्लूकोज है जो फॉर्म हुआ डाइजेशन से उससे रिएक्शन करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 होता है तो वो एक्सहेल के ड्यूरिंग हम रिलीज करते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो ये जो रिएक्शन है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 एक्वियस, उसका रिएक्शन होगा 6O2 जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया है, और रिएक्शन होगा 6CO2 प्लस एक्वियस प्लस 6H2O और एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी से हम डेली के रूटीन वर्क्स करते हैं, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लास्ट ईयर के CBSE पेपर्स में भी आ चुके हैं, लास्ट फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो ये एज IMP प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद है द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो वेजिटेबल है तो वो डिकम्पोज होता है तो उसमें भी हीट रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। तो एक्टिविटी 1.1 तो बहुत स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है, तो वो देख लेना। तो वो कौन सी रिएक्शन है वो हमें चेक करना है। तो एक्टिविटी 1.1 यहाँ पर था, तो यहाँ पर हमने हीट दिया था तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।